लेकिन अभी चलते हैं जरा पहले भागलपुर, वहां से अजीत शर्मा चुनावी मैदान में है, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आप देखिए जब पूरे परिवार के साथ खुद वो वोट डालने के लिए पहुंचे वहां पर क्या माहौल था। निधि वहीं पर मौजूद है, हमारी सहयोगी, उन्होंने बातचीत की है। दूसरे चरण में भागलपुर में आज मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा, उनकी पत्नी विभा शर्मा और उनकी बेटी नेहा शर्मा, तीनों मौजूद हैं। और पहली बार आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अजीत जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत करनी चाहिए। मैम आपके लिए जब पहले तो आप इंग फिंगर दिखा दें, चूँकि आप सभी ने वोट कर दिया है, घर पहुँच चुके हैं आप लोग। विभा शर्मा जी आप वोटर हैं यहाँ के, आपके लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है? हवाई जहाज या और बुनकर का मुद्दा। बतौर वोटर यहाँ, चूंकि आपके पति विधायक भी रहे हैं अजीत जी और इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो किस तरीके का उत्साह यहाँ देखती हैं वोटर्स में? अभी तो मैं सवेरे गई थी तो अच्छा उत्साह था और उम्मीद करते हैं रहेगा भी, क्योंकि जनता जागरूक है, अपने वोट के अधिकार को समझती है और मैं यही अपील करूंगा कि सब घर से निकले और वोट करें। नेहा जी आप, मैंने देखा कि आप प्रचार प्रसार के लिए भी आखिरी दिन आई थी, लोगों से आप मुलाकात की, क्या कहेंगे आप इसको लेकर, किस तरीके का आपको फीडबैक मिला? मुझे हर बार प्यार मिलता है, आई एम ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव रिस्पेक्ट एंड वार्म्थ दे गिव मी हियर। आई थिंक मेरा एक सोल कनेक्शन है बिकॉज ऑब्वियसली मैं यहाँ से पली बड़ी हूँ, सो आई फील दैट विल ऑलवेज बी देयर। जो लोग जो भी बातें करें, मैं हर वक्त यही आती हूँ, अभी होली पे यहाँ थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो हर चीज़ का ढिंडोरा नहीं पीटना है। दिस प्लेस विल ऑलवेज बी सुपर स्पेशल टू मी क्योंकि यहाँ से पली बड़ी हूँ, तो वो जो प्राइड है लोगों की आँखों में और वो जो हंसी रहती है उनके चेहरों पे, उससे मुझे बहुत गर्व फील होता है और हर बार इसलिए आती हूँ क्योंकि वो वन ऑन वन इंटरेक्शन उनके साथ होता है विच आई लव एंड आई चेरिश डीपली एंड आई हैव डीप ग्रैटिट्यूड फॉर इट। इस बार पिता चाहते थे कि बेटी चुनाव लड़े और उन्होंने कई बार पब्लिकली मंशा जाहिर भी की थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़े, क्या आपने मना कर दिया या कोई और वजह? आई फील ही इज़ वेरी वेल केपेबल, काम कर रहे जी। हाँ, मुझे लगता है कि डैड बहुत कैपेबल हैं, बहुत काम कर रहे हैं और लोगों में उनके लिए बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत फेथ है कि वो बहुत सारा विकास का काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे काम करेंगे क्योंकि दीज आर द मेन इश्यूज जो यहाँ हैं। तो आई फील वन ऑन वन जो ये लोगों से मिल रहे हैं, मैंने देखा है वो हार्डवर्क, तो आई फील अभी वो कैपेबल हैं, तो आई एम हियर टू स्टैंड बाय हिम, सपोर्ट हिम एज अ प्राउड डॉटर, सो आई एम डूइंग दैट। पॉलिटिक्स में खासतौर पर बिहार में यंग जनरेशन आगे हैं और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कई नए जनरेशन यंग किड्स को मौका मिला है चुनाव में मैदान में उतरने का, कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यंग लीडर्स आएँ, बट ऑफ कोर्स वही आएँ जो इसमें अपना डेडिकेटेड होके काम कर सके बिकॉज इट्स सर्विस फॉर पीपल। तो जब आप लोगों की सर्विस कर सकें फुल्ली 100% तभी आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप दो नाव में आपके पैर हैं तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आई फील माई फादर इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मैन, बहुत काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है कि आई विश एवरीबडी गुड लक बिकॉज वी नीड यंग पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म जो उनके अंदर है, आई फुल्ली रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट दैट एंड आई वुड लव टू टेल द पीपल कि उनको ही वोट करिए जिनसे आपको लगता है कि बदलाव आएगा। 2029 में क्या बिहार और भागलपुर की जनता चाहेगी कि नेहा शर्मा कम से कम कंटेस्ट करे? भागलपुर की जनता डिसाइड कर लेगी, भागलपुर की जनता को जो मन करेगा वो डिसाइड करेंगे। यू नो वोटिंग इज़ अ पावर दैट दे हैव, कोई उनसे वोट छीन नहीं सकता, उनको जाके वोट देना। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन व्हेन द राइट टाइम कम्स। बहुत शुक्रिया के लिए अजीत जी, आप लोकसभा चुनाव में इस बार पहली बार उतरे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ की जनता अजीत शर्मा को क्यों वोट दे? तीन बार, तीन विधानसभा में हम विधायक रहे, तीन बार जनता ने चुना, उन्होंने मेरे काम को देखा कि मैंने ईमानदारी से जनता का काम किया है, जो भी विकास है सबके सामने है जी, जो भी आया चाहे गरीब अमीर सबका मैंने समस्याओं को सुना और काम किया। मैं आपको बता दूं कि 90% जब विधानसभा का सत्र चलता है तो मैं पटना होता हूँ, चूँकि सत्र में जाना है, मीटिंग कोई होती है, मेरी कमेटी थी प्रत्यायुक्त समिति की, तो उसमें मैं जाता था, रेस्ट पीरियड आई वॉज विथ जनता के साथ रहता था।
गलती से अंग्रेजी में निकल रहा था, तो फिर जनता जो पूरे लोकसभा की जनता ने मुझसे दबाव बनाया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए चूंकि विकास करना है। जो आदरणीय अजय मंडल जी सांसद के बारे में बताया उन लोगों ने कि साहब वो 5 वर्षों में काम की बात तो छोड़िए, वोट मैंने दिया जिताया, एक दिन मिलने नहीं आए किसी गांव में। ABP News आपको रखे आगे।